ये रख दो नीचे आपको एक बात बताऊं, आज है 22 डेट, तो आज हमारी शादी को पूरा 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने पति से बिना झगड़ा किए पूरे 5 महीने कंप्लीट कर लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग आप लोग देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आया है, पर आया तो है। तो कैसे आप सब लोग, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीमार थी इसलिए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, बट ऐसे ही कुछ नहीं बनाया इसलिए नहीं आ पाया। तो कैसे हैं? सो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग के 6:30, और अभी अभी बस जस्ट मैं चाय बना के और चाय पी, बस थोड़ा सा इधर उधर सुबह उठने के बाद थोड़ा सा काम रहता है बस वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। कहीं जाने के लिए मुझे पहननी पड़ेगी साड़ी इतनी गर्मी में, बस वही सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। तो मैंने गाइस ये वाली साड़ी निकाली है, अभी मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ग्रीन साड़ी मैंने निकाली है। और एक पता है, अभी ना मेरा जस्ट अभी कोरियल भी आ गया जो मैंने खोल लिया था, इतना अच्छा, मतलब कुर्तियाँ मैंने मंगाई थी सीरियसली, प्राइस के अकॉर्डिंग इतनी बेस्ट मुझे कुर्ती मिली है। मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी उन कुर्ती के बारे में। आप भी मतलब आप लोग भी बताना कि आपको कैसी लगी। सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इतने कम प्राइस में, क्योंकि कल मैं मॉल गई थी तो वहाँ भी मैंने कपड़े देखे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस, और ये जिस प्राइस में ये मुझे मिली है सीरियसली नहीं मिल सकती। बस मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ये वाली मैंने साड़ी निकाली है क्योंकि काफ़ी हल्की सी साड़ी है गर्मी के हिसाब से, तो मैंने इसीलिए ये वाली साड़ी निकाली है। एंड कल हम लोग नहीं शॉपिंग करने के लिए गए थे तो मैं ये वहाँ से ये वाला टॉप लेके आई हूँ जो मैं अभी ट्राई करूँगी पहन के। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, पिंकी सा। और एंड ये भी मैं कल लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे बिछाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, ये बस यहाँ पे बिछा हुआ था, ये मुझे कुछ चाहिए था तो इसलिए मैं ये लेके आई। तो ब्लैक कलर भी था इसमें, बट मैंने ये वाला लाइट कलर, क्योंकि मुझे लाइट कलर अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। अभी तक तो इसमें टैग भी लग रहा है तो हमने ये वाला लिया। सो गाइस, अभी ना मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं वो भी कर लेती हूँ अपना काम, क्यों वो है मेरे कपड़े उठाने वाला काम। तो मैं अपने कपड़े उठा के कवर्ड में रख दे रही हूँ, उसके बाद में क्योंकि मुझे नहाने भी जाना है और मुझे कपड़े चाहिए। ये सब करते करते मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी नेल पेंट चेंज करनी है, तो मैं ये वाली नेल पेंट कर लेती हूँ रिमूव, उसके बाद में हम लगाएंगे दूसरी वाली नेल पेंट। ये जब ना नेल पेंट ऐसी हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। यही कितना रेड हो गया, ये वाला भाई थिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जल्दी जल्दी हम इसको रिमूव करके हम जल्दी से जाते हैं नहाने, फिर तैयार होते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, मैं तो नहा ली, तो अभी हो रहा है 7:30 हो गए हैं और मैं हो गई हूँ नहा के एकदम फ्रेश। इसको टांग देते हैं जल्दी से और फिर जल्दी से मेकअप करते हैं और तैयार हो जाते हैं साड़ी पहन के, और फिर मिलते हैं आप लोग से साड़ी पहन के। अभी आप मुझे इस वाले लुक में देख लें, उसके बाद में मैं आपको साड़ी पहन के दिखाती हूँ। साड़ी तो मैंने आपको दिखाई दी है कि मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैंने और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ये भी जल्दी से मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं साड़ी पहन के कैसी लग रही हूँ और हेयर स्टाइल कैसी, गर्मी में कौन सी वाली हेयर स्टाइल बनाऊँ मैं, कौन सी वाली। मैं वैसे कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनाती हूँ, बस बाल खोले, थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया, बस हो गया, इतना ही कर लेती हूँ मैं। तो गाइस जल्दी से मैं हो जाती हूँ तैयार और जल्दी से आपको मिलती हूँ। हटा देते हैं ये वाले कपड़े, उसके बाद में ही कुछ करते हैं, टॉवल को टांग देते हैं, टॉवल मेरे पे टंगने पे ही नहीं आ रही है, बाद में टांग देंगे। तो अभी ये वाले कपड़े हटा देते हैं, पर मेरे पास ना इस कलर का पेटीकोट ही नहीं है, लिया ही नहीं मैंने, कोई नहीं ये वाला थोड़ा सा यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है तो फिर इसको पहन लेते हैं। जल्दी से कर लेते हैं मेकअप, गर्मी में ना लोशन लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और लेडी इतनी ऑयली स्किन हो जाती है।
बट कोई नहीं, फिर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उसके बाद में प्राइमर लगा लूँगी ना तो फिर अच्छा हो जाएगा एकदम। मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाने वाली, बस मेकअप करना बेकार है ज़्यादा, क्योंकि मेकअप पूछ के तो हैंकी पर ही आना है, तो जैसे हो ना वैसे ही रहो। टिंग 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 टिंग। मैं फाउंडेशन सॉरी फेस पाउडर इससे ही लगाती हूँ। आप लोग किससे लगाते हैं मुझे पता नहीं क्यों, ब्रश व्रश से इतना सेटिंग वेटिंग करने में बड़ा ड्रामा लगता है। बस जल्दी से इसको लगाओ और बस हो गया। इतनी गर्मी हो रही है, बाहर जाओ तो, वैसे भी बाहर जाने में सारा का सारा उतर जाए, जब तक घर पे रहो तब तक ही नहीं उतरता, बाकी का उतर ही जाता है। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो, मैं खुद को तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। बस ये मेकअप है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, इसके बिना तो मेरा मेकअप ही अधूरा है। कोई बात नहीं, यहाँ लगा लेंगे। अनकंफर्टेबल लग रहा है, मेरी आंख कैसी हो गई। मेरा मस्कारा लग चुका है, लिपस्टिक मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अगर ये इसको उतारा तो शायद लिपस्टिक मेरे कपड़ों पे लग सकती है, वैसे तो नहीं लगेगी, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। और गाइस आपको एक बात बताऊँ, आज है 22 डेट, तो आज हमारी शादी को पूरा 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने पति से बिना झगड़ा किए पूरे 5 महीने कंप्लीट कर लिए, एक भी बार झगड़ा नहीं किया है मैंने आज कर लूँ। तो गाइस हमारी शादी को पूरा 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है, कल से हम 6 मंथ के पड़ाव पे पहला कदम रखेंगे। तो आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे था। तो लिपस्टिक भी मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मैं जब तक बाल अपने बनाऊंगी तब तक ना मेरी लिपस्टिक। हाँ आ रही हूँ, इतने हो रही हूँ सोफे पे, जल्दी जल्दी लगेगी नीचे, जल्दी आ प्रिया ऊपर, तो कोई चढ़ के ना आएगा, मैं तो बुलाऊंगी तो चिल्लाऊंगा। आप लोगों को ये वाला देखने को मिलता है, मुझे मिलता है। जैसे कि अभी आपने आवाज़ सुनी थी, उसको सुनते हुए पहले मैं पहन लेती हूँ साड़ी, उसके बाद में कोई, क्योंकि जब भी कोई आएगा ना तो मैं कहूँगी मैं तो तैयार हूँ एकदम, इसलिए मैं जल्दी साड़ी पहनूंगी। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार साड़ी पहन के। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो साड़ी तो मैंने पहन ली है, अब जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ी चूड़ियाँ चेंज करनी है बस मुझे, और बस मैं हो चुकी हूँ तैयार। अरे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे साड़ी में, मुझे नहीं अपनी साड़ी थोड़ी संभालनी पड़ रही है, क्योंकि वो थोड़ी सही नहीं बंधी नीचे से, मुझे वो बाद में पता चला कि वो थोड़ी सी सही। डालना चाहिए क्योंकि ग्रीन में, क्योंकि इसमें ना ग्रीन है, तो इसलिए मुझे ग्रीन भी डालनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें ना ये भी ऐड कर रही हूँ एक एक चूड़ी।
तो आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे, आपके प्यार में जीने मरने लगे। बस बढ़िया और कुछ नहीं, एकदम सिंपल लग रही है, लटका हूँ मैं अपने आप में। अच्छी लग रही है, कल अच्छी लग रही है, आज नहीं अच्छी लग रही, आज सिंपल टाइप है, बाल गर्मी है अभी। ब्लैक साड़ी इतने मन से लेके आई, बहुत सुंदर साड़ी थी ब्लैक, तो मैंने अच्छी लग रही। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ बुआ जी के घर। मुझे बैठी हुई ना बहुत टाइम हो गया, बैठ जाती हूँ मैं तो। मैं ना मतलब बहुत लेट हो गया, अभी हो रहा है 10:30, तो मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी। मेरे पतिदेव थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट आए, क्योंकि मैं आ गई थी 8:30 और वो आए हैं 10:00 और अभी हो रहा है 10:30, हम अभी तक घर नहीं गए अपने। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। स्माइल। और ये रही मैं। हमारा खाना लग चुका है। जनाब इतना लेट क्यों आए थे? अरे मैं फंस गया, मैं आपसे 2 घंटे पहले आ गई थी। एक रोटी भी रखी है ना? अच्छा, और ये आ गई हमारी बुआ जी। अब मैं आपको कैसी लग रही हूँ? आपने बताया नहीं। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी अच्छी लग रही है। क्या रे? क्या रे? राजू ने कहा मिठाई तो क्या, अभी उमस चल रही है ना, इस चक्कर में हो रहा है मेरा। ये तो जब वो लोग आए थे, कौन था, सुनीता मामी और शादी, तो एक शादी के टाइम पे सब जने आए थे दोपहर में, शिवानी शमुदी ये भैया ऐसा ही हो यार, ऑफिस से तुम पिता भी नीचे लेते थे। ओहो तेरे मस्ते मस्ते ऑन चल हुआ है ना ये। जेली पीस तो ये रख दो नीचे, है ना? ब्लॉग में आ रहे हैं ना? पिक क्लिक कर दो। एक शख्स ये मुझे लेके ही नहीं आए, 8:00 के लिए बोला था। अब ना ये था ना मेरे, मुझे कोई लाने वाला ही नहीं था। अरे जा रही नहीं गई थी मैं 9:00 दुकान पर आऊंगी, तो गई थी, बाकी तो थे घर में, सही बोल लीजिए।